नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। पिछले दिनों योग गुरु रामदेव के एलोपैथी और एलोपैथी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और सभी डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर ये साफ कहा था कि या तो आप योग गुरु रामदेव की बात का समर्थन कीजिए या उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के अंतर्गत केस चलाइए। सुबह ही भाई राकेश जी ने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया, जिस एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है, एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेराइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमार्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू वो भी फेल है। जितनी भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे तमाशा हो क्या रहा है, बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं, टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें, लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसे बात बता रहा हूं, ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है, मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है, उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिंस हैं, जो उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, जो उसके अलग अलग जो फाइंडिंग्स हैं, जो अलग अलग उनकी झूठी रिसर्च हैं, उनका विरोध है। जितने लोगों की मौत ऑक्सीजन न मिलने से, दवा न मिलने से, हॉस्पिटल न जाने से हुई, उससे ज्यादा लोगों की मौत वहां हो रही है, और वहीं अब नए उपद्रव हो रहे हैं। कोरोना के बाद करोड़ों लोगों को, कोरोना के बाद कुछ लोग हॉस्पिटल्स में गए, कुछ ने घरों में ही ठोक ठोक के दवाइयां खाई हैं, मुट्ठा भर भर के, होम क्वारंटीन के दौरान डॉक्टर की सलाह लेकर के दवा खाओ, और सलाह दे रहे हैं वो ये सब जहर खाने की। कोरोना के बाद कोरोना तो नेगेटिव कर लिया, वो तो अपना आप ही नेगेटिव हो रहा था, उस दौरान अपना बिगाड़ और कर लिया, क्या कर लिया, लीवर खराब कर लिया, डायबिटीज कर ली, फेफड़े खराब कर लिए, 25% 50% 70% फेफड़े खराब कर लिए, बीपी बढ़ा लिया, दिमाग की परेशानियां खड़ी कर ली, नींद नहीं आती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो गई है, एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर हो रहा है, किसी की शुगर 400-500 बढ़ गई है, किसी को इम्यूनो सप्रेशन हो गया है, और आर्टिफिशियली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो दवाई ली एलोपैथी की, उससे लोगों के भीतर ही एक अंदरूनी संघर्ष हो रहा है। अब एक तरफ नेचुरल जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, वो नेचुरल इम्यूनिटी हमारी ताकत है, और ये जो बाहर से जो एलोपैथी में सो कॉल्ड जो मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, जो केमिकल वाले विटामिन सी और जिंक, जो केमिकल वाले अलग अलग प्रोटीन डाइट, केमिकल वाले अलग अलग जो है विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, और उनसे हो क्या रहा है, उनसे एक बार तो लगता है कि ताकत सी आ गई है, और वो जो आर्टिफिशियली इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, फिर कोरोना के कारण से जो आपस में दोनों में संघर्ष होता है, तो ऑटोइम्यून डिजीज हो रही है,
माने अपनी इम्यूनिटी अपने शरीर के खिलाफ काम कर रही है। अपनी इम्यूनिटी अपने शरीर के खिलाफ जब काम करती है तो जो कोरोना के अंदर होता है, कोरोना ये क्या करता है, गलत सिग्नल पास ऑन करता है और अपनी जैसी कॉपी तैयार करता है। कोरोना शरीर में जाकर के बच्चे पैदा नहीं करता, ये अपने जैसी कॉपी तैयार करता है, सिग्नल भेजता है किसको, हमारे ही बॉडी की कोशिकाओं को। जिसके बाद बाबा रामदेव ने माफी मांग ली थी, लेकिन कल स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखकर कहा कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, आपको अपना बयान वापस लेना होगा। जिसके तुरंत बाद बाबा रामदेव ने एक चिट्ठी जारी करके अपना बयान वापस ले लिया। हालांकि सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि हमें किसी शायर की एक पंक्ति याद आती है जो कहते हैं कि मोहब्बत भी तुम्ही से और शिकायत भी तुमसे ही। कुछ ऐसा ही हाल है सरकार और बाबा रामदेव का। सरकार के हिंदुत्व वाले एजेंडे के लिए रामदेव सूट करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रामदेव को अपने इतने बिजनेस चलाने हैं कि उसके लिए भी उन्हें सरकार का सहयोग चाहिए ही। बीच में कभी कभार डॉक्टरों पर कुछ बयान कर भी दिए तो ऐसी माफियाँ तो चलती रहती हैं। स्वास्थ्य मंत्री बाबा रामदेव की इस चिट्ठी के आदान प्रदान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। एक मिनट हमारे साथ।